नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे यूथ क्यों नहीं आ रहा? जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं वो अच्छी डिग्रियां लेके अगर एग्रीकल्चर को वोकेशन के रूप में एक्सेप्ट करें तो आपको लगता नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इस सेक्टर का? क्यों नहीं आ रहे हैं यूथ, क्यों नहीं जा रहा वहाँ पे? सर, एग्रीकल्चर में कई तरह की प्रॉब्लम है। एक तो है कि हमारे प्रोडक्शन जो मिट्टी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम है, और हमारे जो प्रोडक्शन है उनकी गुणवत्ता भी बहुत इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, सर, प्रोडक्शन करने के बाद भी किसान को अपना MSP या जो भी उसका खर्चा लगा है वो तक निकालने के लिए बहुत बार संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा सर, आपदा राहत से कोई इतना अच्छा मैकेनिज्म अभी तक नहीं है। तो सर, नॉर्मल है कि जहाँ पे फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा यूथ उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर सरकारी हस्तक्षेप से क्या चीज़ों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल सर, बनाया जा सकता है। तो क्यों नहीं फिर आपकी शिकायत अभी क्यों हो रही है? सर, हस्तक्षेप धीरे धीरे कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उतने स्तर पे नहीं कर रही है जितने स्तर पे करना चाहिए। जैसे कि अभी बीमा के लिए अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना लाई गई है, कुछ खामियां उसमें लेकिन काफ़ी अच्छा पहल है। इसके अलावा सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है जिसके थ्रू सिंचाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, कई स्तर पे कई सारे काम एग्रीकल्चर के लिए करने पड़ेंगे, तब एग्रीकल्चर जो फार्मर्स के डबल इनकम के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है या फिर कृषि क्षेत्र को रिवाइव करने के बारे में सोच रही है, तभी पॉसिबल है सर।